दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं आपका दीपक सर और आप सभी को अपने YouTube चैनल जीनियस क्लब में स्वागत करता हूं। जैसा कि हम जान रहे हैं कि पेपर का सिलसिला प्रीवियस ईयर चलता आ रहा है, तो आज हम जिस पेपर पे बात करने वाले हैं वो है SSC GD। वो है क्या? SSC GD प्रीवियस ईयर पेपर। तो बिना समय गवाए सीधे सीधे वार करते हैं इसके पेपर पर, वार तलवार से नहीं पेन से। ठीक है, आ जाओ। तो तैयार हो ना? बिल्कुल सर, आइए। पहला, वाह, तो पहला जो क्वेश्चन है वो प्रभु किसका क्वेश्चन है? तो सीधे सीधे पहला जो क्वेश्चन है सर, बॉडमास का। और मैंने आपको बॉडमास टॉपिक पढ़ाया है। मैं बार बार कह रहा हूं कि देखो, एग्जामों में एक क्वेश्चन बॉडमास के ऊपर तो आ ही रहे हैं। तो चलो सॉल्व कर लेते हैं। तो कितना होगा, चलिए लिख लेते हैं। यहां से करेंगे तो क्या मिलेगा? 1/2, ये डिवाइड है तो इनटू में हो जाएगा 4, माइनस 4 इनटू 1/3 इनटू 1/2। ठीक है, ऑफ, ऑफ का मतलब क्या होता है? का यहां नहीं लिखा, का मतलब गुना। चलो यहां से ले लेते हैं, कितना है? 2/3 भाग, पहले भाग होता है बॉर्ड मास के अनुसार, यानी क्या होगा? 3/4 प्लस 1/2। आ जाओ सॉल्व किया जाए। तो यहां से कट गया 2 से 2, और यहां से कट गया भाई 2 से, माइनस 2/3 गुने 3 से 3 गया, ये गया 2 से, 1/2 प्लस 1/2, यानी यहां से सॉल्व किया 2 3 6, कितना? 2 3 6, 6 में से 2 गया 2/3, 2/3, 2/3 क्यों? 4/3, जो बोलो सर सही। 2 3 6, 6 में से 2 गया 4/3 गुने 1, यानी सवाल का आंसर कितना हो गया? 4/3, यानी ऑप्शन नंबर डी। तो मैं आपसे कह रहा हूं ना दोस्तों, बॉडमास का वीडियो जरूर देखिए, क्योंकि आपने जितने भी पेपर में देखा है, हर पेपर में बॉडमास के क्वेश्चंस आ ही रहे हैं, है ना? बिल्कुल। चल आइए अगले क्वेश्चन पे। क्या कहा गया पढ़ लिया जाए, K alone can complete a work in 20 days and B, M alone can complete the work in 30 days. यानी K किसी काम को 20 दिन में करता है और M उसी काम को कितने दिन में करता है? 30 दिन में। तो सबसे पहले कुल कार्य निकाल ले, पढ़ाया हमने, पढ़ाया गया आपको समय और कार्य में 7। यानी क्षमता की बात की जाए तो K की क्षमता कितनी? 3, और M की क्षमता कितनी? 2। यानी K की क्षमता 3 हो गई, M की क्षमता 2 हो गई। अब आगे देखते क्या कहा गया। K और M एक साथ काम करना शुरू प्रारंभ करते हैं। एक साथ काम करने का मतलब 5 यूनिट काम करेंगे प्रतिदिन, ठीक है? लेकिन K शुरुआत के 5 दिनों के बाद क्या करता है? छोड़कर भाग जाता है। तो चलो भैया बना लेते हैं, चलो बना लेते हैं। क्या होगा? K काम करना शुरू करता है शुरुआती कितने दिनों में? 5 दिनों तक। तो 5 दिनों तक क्या करेगा? दोनों बात तो नहीं करेंगे, काम करेंगे। कितना काम करेंगे? तो 5 × 5 यानी 25 यूनिट। अब 25 यूनिट अगर काम हो चुका है तो बचा कितना यूनिट होगा? 60 - 25 यानी 35 यूनिट काम बचा होगा। और यहां पर छोड़कर भागा कौन है? तो हम कहेंगे सरजी के भागा है। और अगर के भागा है तो बताइए काम करेगा कौन? एम, यानी एम से पूछ रहा है कि एम कितने दिनों में शेष कार्य पूरा करेगा, यानी एम को समय कितना लगेगा बच्चे? तो कहेंगे 35/2 डेज, यानी 35/2, यानी ऑप्शन नंबर कितना है? क्या है सवाल में? कुछ है आपको? मैंने इस तरह के कितने हाई लेवल्स के सवाल कराए हैं टाइम एंड वर्क में, आप देख सकते हैं। यहाँ तक कि एक एक सवालों को चुन चुन कर करवाया है ना? टाइम एंड वर्क का कम से कम 10 पार्ट है, जहां पे अगर आप इन चीजों को पढ़ते हैं तो आप बहुत ढंग से सीख सकते हैं। और मैं बार बार कह रहा हूँ, कुछ ऐसे चैप्टर हैं जो कि 101% क्वेश्चंस आते ही आते हैं, जिनमें से टाइम एंड वर्क भी एक है। तो बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चंस की ओर, देखते हैं अगले क्वेश्चंस क्या है। चलिए, इस सम बिकम 3 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ इन 10 इयर्स एट द रेट ऑफ सिंपली व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। अभी सवाल को आप जैसे करना चाहें वैसे कर सकते हैं। मैं आपके लिए थोड़ा सा पहले बेसिक से बनाता हूं, फिर इसका शॉर्टकट तरीका भी सिखा देता हूं, पहला मेथड का। चलिए, प्रिंसिपल अगर पी होगा तो अमाउंट कितना होगा बाबू? 3p, क्योंकि 3 गुना कहा गया है ना, 3 टाइम्स, हां 3 गुना कहा गया है। तो इंटरेस्ट कितना होगा? तो हम कहेंगे 2p। तो हमसे क्या पूछा है? ब्याज की दर। तो ब्याज की दर का सूत्र क्या होता है? ब्याज गुने 100/ मूलधन गुने समय। यानी यहां से अगर हम करते हैं तो क्या मिलेगा? 2p × 100 / p × t, कितना है? कितना साल? 10 साल।
जीरो से जीरो कट गया, पी से पी कट गया, यानी कितना आएगा 20 years। ठीक, आप ऐसे बना सकते हैं सवाल को। देखो मैं हर तरीके से आपको सवाल सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, और मैंने सिंपल इंटरेस्ट में बहुत सुंदर सुंदर ऐसे नगमे आपके लिए बनाए हैं। पेपर देखो तो सही, वीडियोस को देखकर एक एक सवाल को करो तो सही। तुम्हारे पास तो इतना समय नहीं होता कि फेसबुक व्हाट्सएप इंस्टाग्राम छोड़कर इन सब चीजों पर बात करें। पेपर देखोगे तो आधा काम तो तुम्हारा वहीं हो जाएगा। तो देख लेते हैं अब इसी का दूसरा मेथड क्या है बनाने का। देखो मैंने आपको हर एक तरह से बताया है, दो चीजें पूछी जाती है, आर मांगे तो आर, टी मांगे तो टी। फॉर्मूला होता है एन माइनस वन। अगर आर मांगेगा तो दिया होगा सवाल में क्या, टी बताया था, और अगर टी मांगेगा तो दिया होगा सवाल में क्या, आर इंटू 100 बताया गया था ऐसा। तो आप इस सूत्र पर भी सवाल को बना सकते हैं, यानी हमसे आर मांगा गया है, एन का मतलब जितना गुना कहा गया, यानी कितना होगा 3 - 1/10 × 100, यानी यहाँ से सॉल्व किया तो हमें कितना मिल गया 20%। आप ऐसे बना सकते हैं 20% ऐसे बना सकते हैं। फिर मैंने आपको और एक तरीका समझाया था, क्या कॉन्सेप्ट का तरीका, क्या था कॉन्सेप्ट, क्या था कॉन्सेप्ट, अमाउंट। अमाउंट का मतलब क्या बताया था, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। ठीक, अगर प्रिंसिपल 1 यूनिट होगी तो अमाउंट कितना होगा 3 यूनिट, इसका मतलब इंटरेस्ट कितना होगा 2 यूनिट, 2 यूनिट का मतलब 200%, है ना। इंटरेस्ट कितना होगा 200% कितने सालों में, 10 सालों में, तो 1 साल में कितना होगा, तो हमारा आंसर होगा कितना 20%। यानी देख लीजिए इस तरीके से भी सवाल को करने का तरीका बताया। देखो कितने खूबसूरत खूबसूरत तरीके से आपको सवाल करना सिखाया है। अब आप पे निर्भर करता है आप ले कितना रहे और सीख कितना रहे और देख कितना रहे, है ना। जब तक देखोगे नहीं दीपक सर का वीडियो तो सीखोगे कैसे। तो क्या है अमाउंट, यानी अगर प्रिंसिपल 1 यूनिट मान ले तो हमारा अमाउंट कितना होगा 3 यूनिट, तो इंटरेस्ट कितना होगा 2 यूनिट, 2 यूनिट का मतलब 200%, कितने सालों में 10 सालों में, तो 1 साल में कितना 20%, कहीं कोई दिक्कत नहीं, यानी ऑप्शन नंबर कितना होगा बी। तो आइए अगले क्वेश्चन में क्या कहा गया है। एक ठोस गोले के आयतन का, दो ठोस गोले के आयतन का योग कितना, 1140/3 घन सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले यह सिखा दूं आपको, अगर आप भूल चुके हैं ये आर है, तो आयतन का सूत्र क्या होता है, गोले का 4/3 πr³। चलिए 4/3 πr³, बड़ा खूबसूरत सवाल है दोस्तों। तो यहाँ से हमने लिखा 4/3 π, एक गोले का नाम दे देते हैं r³ और दूसरा छोटा गोले का नाम दे देते हैं छोटा r³। ठीक है, और इन दोनों को जोड़कर कितना है 1/3, ठीक, सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ से अगर हम 4/3 ले लें और पाई, पाई मतलब 22/7 ले लें, तो हमारे पास क्या बचता है, r³ + r³ = 1144/3 cm। चलिए यहाँ से अगर हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ से उड़ा देते हैं कितने बार में, 2 बार में गया, और यहाँ से उड़ा देंगे तो कितने बार में जाएगा 104, फिर 2 से उड़ा दिया कितने बार में गया, 2 से उड़ा देंगे तो 52, और 52 से उड़ा दिया 4 से कितने बार में गया, तो 13 बार में, और 3 से ये 3 कैंसिल, तो r³ + r³ = कितना मिल गया 91 cm³। ठीक है, और हमसे क्या कहा है सवाल में, दोनों यानी r प्लस r को जोड़कर कितना है प्रभु 7 cm। तो r प्लस r को जोड़कर 7 cm है, तो क्या मांग रहा है, मांग रहा है दोनों त्रिज्या का अंतर, तो हमें r माइनस r चाहिए। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहां से क्या करते हैं अपने सूत्र के अनुसार से यहाँ से क्या निकाल लेते हैं, r into r निकाल लेते हैं। तो अब अगर आप यहाँ से करते हैं, aq + bq का फॉर्मूला है, तो aq + bq का फॉर्मूला में हम क्या यूज कर सकते हैं दोस्तों, तो हम क्या लिख सकते हैं, r + r³ - 3r into r into r + r = कितना 91 cm³। और r प्लस r की वैल्यू कितनी है 7 cm, यानी यहाँ से करेंगे तो 343 cm³ माइनस यहाँ पे 91 कर देते हैं, -91³ = 3r × r × 7 cm। ठीक है, तो अब यहाँ से किया तो कितना मिला बच्चे 2, और यहाँ से करेंगे तो यहाँ से कितना मिलेगा 23 cm³ ठीक है, इज इक्वल टू कितना 21 इंटू आर
इंटू आर। तो चलिए यहां से उड़ा देते हैं सेंटीमीटर, तो यहां से सेंटीमीटर से उड़ेगा स्क्वायर और ये उड़ेगा कितने बार में, वन और टू, यानी आर इंटू आर की वैल्यू कितनी आ गई, 12 सेंटीमीटर। ठीक है, नाउ वी हैव गॉट आर इंटू आर इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। तो हमसे क्या मांगा गया है, हमसे मांगा गया है कि दोनों का अंतर कितना होगा। तो अब हम यहाँ से r माइनस आर का फॉर्मूला लगा लेते हैं, होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, r माइनस आर का फॉर्मूला क्या होता है, तो हम कहेंगे r प्लस आर का होल स्क्वायर माइनस 4r इंटू आर। तो यहाँ से करते हैं तो r इंटू आर का मतलब कितना है, 7 सेंटीमीटर यानी 49 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 4 इंटू 12 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। तो r माइनस आर इक्वल टू क्या मिलेगा, रूट ओवर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी आंसर कितना, 1 सेंटीमीटर। बेहतरीन क्वेश्चन में से, बेहतरीन क्वेश्चन में से क्या बात है इस क्वेश्चन का, क्या बात है इस क्वेश्चन का, कहीं कोई दिक्कत नहीं, बहुत आसान से क्लियर से क्लियर हो चला। यानी पहले हमने क्या किया, r क्यू प्लस r क्यू की वैल्यू निकाली, फिर हमारे पास r प्लस r था, तो हमने r प्लस r से यहाँ से क्या निकाल लिया, इसको ए क्यू प्लस बी क्यू के सूत्र में डाल करके ए प्लस बी का होल क्यू माइनस 3ab प्लस ए प्लस बी करके यहाँ से r इंटू आर निकाला, फिर r माइनस आर का होल स्क्वायर किया, तो r माइनस आर इक्वल टू क्या होगा, रूट ओवर 1 सेंटीमीटर। बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन, मस्त लिख देते हैं, मस्त मस्त मौला क्वेश्चन है। कौन सा क्वेश्चन है, मस्त मौला क्वेश्चन है। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं, बड़े आसानी से समझ में आ रहा है। ये है आपका गोला और गोला ने आपको गोला दे ही दिया। अगर ये क्वेश्चन एग्जामों में दे देगा तो इसका मतलब ये है कि आपको गोला दे ही दिया गया है। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला क्वेश्चन। ठीक, यहाँ पे है रोहित, यहाँ पर है मोहित और यहाँ पर है सुमित। वाह, कितना, रोहित किसी काम को 8 दिन में, सुमित उसी काम को 14 दिन में और ये 21 दिन में, यानी इन तीनों का लॉसा लेंगे तो कितना आएगा, 21 यानी कितना कितना कितना, 168। ठीक है भैया, अब क्या कहा गया है, सबसे पहले इसकी क्षमता निकाल लें, क्षमता कितना हो गया 21, 14 एकम 14, 14 दुनिया 28 और ये कितने बार में जाएगा, 8 बार में हो गया। अब क्या कहा गया है कि अगर तीनों मिलकर काम करते हैं तो काम कितने दिनों में कर पाएंगे, क्या है सवाल में। तो यहां से किया तो कितना मिला, 33, 33 प्लस 8, 33 प्लस 8 हो रहा है ना, 33 प्लस 8 कितना हो रहा है, 33 प्लस 8 हो रहा है 41 रे भैया, यानी 168 बटा 41 दिन आंसर होगा। है कहीं पर, कहां पर है, यहां पर है ऑप्शन नंबर बी, यानी 168/41 इज योर करेक्ट आंसर। कहीं कोई दिक्कत नहीं, बढ़ सकते हैं अगले क्वेश्चन पे। कितना अच्छा क्वेश्चन दे रहा है यार, अब तुम लोग एग्जाम नहीं निकालोगे और चीजों को नहीं पढ़ोगे तो कब। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। मोड यानी बहुलक, बहुलक का मतलब क्या होता है, जो अंक सबसे अधिक बार आए हुए हैं। तो यहाँ पे था, इसे ही देख के समझ में आ रहा है, अंक सबसे अधिक बार कौन आया है, जीरो कितनी बार, तीन बार, दो कितनी बार, दो बार सबसे अधिक, कौन दिख रहा है, देखो कौन दिख रहा है, कौन दिख रहा है, बिल्कुल सही, कौन दिख रहा है, बिल्कुल सही, तो बता दिए सर है कौन, तो वो है, वो है, वो है वन। हाँ या ना, डॉन पिक्चर का गाना नहीं गा रहा, वो है, वो है, वो है डॉन, कौन कौन कौन, तो हम कहेंगे वन। तो बहुलक का मतलब क्या होता है, मोड का मतलब वो फ्रीक्वेंसी जो कि सबसे ज्यादा बार आई हुई हो, आई हुई हो, आई हुई हो। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं, बताओ ये सब तुमको पास करने के लिए ही तो दिया जा रहा है। आइए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहा गया, यदि किसी संख्या को 14 से विभाजित किया जाए, चलो कर देते हैं भैया, यदि किसी संख्या को 14 से विभाजित किया जाए तो वह संख्या, तो वह दूसरी संख्या के, यदि किसी संख्या को 14 से विभाजित की जाए तो वो किसी दूसरी संख्या के 10% के बराबर हो जाते हैं। तो ले लेते हैं भैया दूसरी संख्या के 10% के बराबर, अब सॉल्व कर लेते हैं, x बटा 14 गुने y गुने 10 बटा 100, 0 0 गया यहाँ से 7 और ये 5, तो x by y कितना मिला, 7 बटा 5, यानी x की वैल्यू कितनी, x की वैल्यू कितनी, 7 यूनिट और y की वैल्यू कितनी, 5 यूनिट। ठीक है, तो अब क्या कहा गया है कि पहली संख्या दूसरी संख्या से कितना प्रतिशत अधिक है, ये कितना अधिक है, हम कहेंगे 2 अधिक है सर, कितने में, 5 में इंटू 100%, यानी यहां से हमने सॉल्व किया 20 बार में, यानी हमारा आंसर कितना परसेंट के बराबर होगा दोस्तों, तो हम कहेंगे सर 40% के बराबर, मारो झट से आंसर एकदम 40%।
आया ना, कितने परसेंट के बराबर, 40% के बराबर। कहीं कोई दिक्कत नहीं, हमारा और आपका साथ हो तो हम, जैसा कि मैं बार बार कहता हूँ, जग जीत सकते हैं। ठीक है, बड़े आगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं, बड़े अच्छे से प्रेम से समझ में आ रहा है, तो चलिए देखें अगला क्वेश्चन। आइए, कहा क्या गया है, इफ द सेलिंग प्राइस यानी किसी वस्तु का विक्रय मूल्य इतना रुपए और लाभ इतना प्रतिशत है तो शुद्ध लाभ होगा। यानी क्या पूछ रहा है, शुद्ध लाभ का मतलब परसेंट में नहीं, पैसा में पूछ रहा है। तो सबसे पहले सीपी निकाल लेते हैं, सीपी का सूत्र हमें पता ही है, एसपी, एसपी कितना है, रुपीज 38 × 100, कितने का लाभ क्या, 145। चलो उड़ाओ भैया, ये उड़ा 20 बार में और ये उड़ेगा कितने बार में, 29। ठीक है, 29 से उड़ा दीजिए, उड़ जाएगा मेरे ख्याल से। ठीक है, हाँ, 22 बार में, यानी 440। यानी आपका जो क्रयमूल हुआ सीपी हुआ 440 हुआ, और आपने बेचा कितने पे था रे, तो हम कहेंगे 440। यानी अतिरिक्त लाभ कितना कमाया है, तो हमारा आंसर होगा 198, यानी ऑप्शन नंबर डी। क्या है, बहुआ सवाल है, पढ़ो, पढ़ोगे नहीं तो एग्जाम निकालोगे कैसे, थोड़ा सा गला भेजा लूं, रुक जाओ यार। ठीक, कहीं कोई दिक्कत नहीं, बहुत प्रेम से सवाल समझ में आ रहा है, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चंस क्या है। सोहन बहुत अच्छा लड़का है, देखो कितने के स्पीड से गाड़ी चला रहा है, 25 मीटर प्रति सेकंड की गति से बाइक चला रहा है, और 540 किलोमीटर की दूरी कितने समय में तय करेगा। सबसे पहली बात मैंने आपको बताया है, याद करिए, 1 मीटर प्रति सेकंड है, उसको हम क्या लिख सकते हैं, 18/5 किलोमीटर प्रति घंटे बताया गया है दोस्तों। ठीक, आप देख सकते हैं समय और दूरी पर, जिसमें हमने अमिताभ बच्चन और जया भाभी की स्टोरी पर सारा का सारा समय और कार समय और दूरी करवाया है, वहां पे आप देख सकते हैं। हमसे सवाल में कितना कहा गया, 25 मीटर पर सेकंड का मतलब 18/5 × 25 किलोमीटर प्रति घंटे। ठीक है भैया, 5 से कट गया, तो यहाँ पे ऐसे ही छोड़ देते हैं, 18 × 5 किलोमीटर प्रति घंटे। और हमको जाना कितना है, हम उतना करने ही क्यों जाए, हमको जाना कितना है समय, हमको जाना है 540, और 18 × 5 घंटे लगेंगे, 18 से काट दिया 30 बार में, और इसको उड़ा दिया 6 बार में, यानी सवाल का आंसर कितना होगा दोस्तों, तो हम कहेंगे सर जी 6 घंटे। कितना कहेंगे दोस्तों, 6 घंटे। कहीं कोई दिक्कत नहीं, बहुत प्रेम से सवाल समझ में आ रहा है, बड़ा मजा आ रहा है क्वेश्चंस में, तो बिना समय गवाए अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ेंगे। चलो, क्या कहा गया है, द एरिया ऑफ स्क्वायर यानी एक वर्ग और एक आयत के क्षेत्रफल बराबर है। चलो ठीक है, ये हो गया वर्ग और ये हो गया आयत, ठीक है, तो बराबर है। आयत की लंबाई वर्ग की भुजा से 5 सेंटीमीटर, यानी इसको अगर हम x मान लें तो ये कितनी होगी, x+5, ठीक है, और उसकी चौड़ाई 4 सेंटीमीटर कम है, तो x-4। तो चलो भैया, यहाँ से x की वैल्यू निकल जाएगी, x इंटू x यानी x स्क्वायर, ये हो गया वर्ग, वर्ग मतलब स्क्वायर, और ये हो गया आयत, आयत मतलब क्या, रेक्टेंगल, मतलब रेक्टेंगल इंटू क्या होता है, लंबाई यानी लेंथ गुने चौड़ाई यानी ब्रेथ। तो चलिए सॉल्व करते हैं, क्या मिलेगा, x² = x² - 4x + 5x - 20। तो यहाँ से ये उड़ेगा तो ये इधर आएगा, तो x इज इक्वल टू कितना मिलेगा, 20 यूनिट। अब x की वैल्यू 20 यूनिट आ गई, तो आयत का परिमाप पूछ रहा है, तो बताइए कितना होगा, ये हो गया 25 और ये हो गया 16, तो कितना होगा, 2 × 25 + 16 सेंटीमीटर यानी 41 × 2 = 82 सेंटीमीटर। किस ऑप्शन में 82, किस ऑप्शन में था, ऑप्शन नंबर बी। तो कहीं कोई दिक्कत नहीं, बड़े आसान से क्लियर हो रहे हैं, क्योंकि दोनों आपस में क्या कहे गए थे, वर्ग का जो क्षेत्रफल था और आयत का क्षेत्रफल था, दोनों आपस में क्या कहे गए थे, बराबर कहे गए थे। सीधे सीधे सूत्रों में बैठा दो यार, बाकी क्या रहा सवाल। चलिए, क्या कहा गया है, दो संख्याओं का अनुपात 13:20 है, ठीक है, दो संख्याओं का अनुपात इतना है तथा इनके बीच का अंतर 189 है, ठीक है। तो देखो यार, ऐसे ही दिख रहा है, हमें कोई x x मानने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे 13 है और 17, ये पहली संख्या मान लेते हैं और ये दूसरी संख्या मान लेते हैं, दोनों संख्याओं के बीच का अनुपात का अंतर कितना होगा, 7, तो 7 = 189। अगर 7 = 189 तो 1 = कितना, तो हम कहेंगे 189/7, यानी 700 उड़ाया कितने बार में, 7 × 2 = 14, 7 × 7 = 27, ठीक है। तो क्या पूछा गया है,
या दोनों में से छोटी संख्या कौन सी है? छोटी संख्या कौन है? 13 × 27, 13 × 27, यानी यहां से किया तो 13 × 97 का एक हाथ में बचा 9, 13 × 2 = 26, 26 और 9 कितना होगा? 35, यानी आंसर कितना होगा? छोटी संख्या इज इक्वल टू 351, कहां है? ऑप्शन नंबर डी पे मार दी। कोई एक्स मानने की जरूरत नहीं है, ऐसे सवाल में जोड़ने के लिए कहा जाए, ऐसे सवाल में घटाने के लिए कहा जाए, सीधे सीधे अनुपात से गेम खेलो, यानी रेशियो से गेम खेलो, गेम खेलना आना चाहिए। अगर आप सवालों के साथ खेल खेलना शुरू कर दो ना, तो सवाल आपका दोस्त बन जाता है, क्योंकि इसके पहले जब आप नहीं जानते ये आपके साथ खेल खेलता है, जब आप जानते हैं तो आप इसके साथ खेल खेलिए, दोनों आपस में अदला बदली कर लीजिए, यानी दोस्त बन गए हुए आपके। यानी कितना होगा दोनों अनुपात का अंतर? 7 = 180, नहीं तो 1 = 27, तो 13 = कितना? 351। कहीं कोई दिक्कत नहीं, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। तो आइए देखिए अगले क्वेश्चन में क्या कहा गया है। कहा गया है कि वस्तु का जो अंकित मूल्य है उसके क्रय मूल्य से 40% अधिक है। तो यार सीधे सीधे रिलेशन दे दिया गया एमपी और सीपी के बीच में, कहा गया ये 100 होगा तो ये 40% अधिक है। कितना परसेंट अधिक है दोस्तों? कितना परसेंट अधिक है? 40%। 40% होने का मतलब 140। अब कहा गया इस पे 50% की छूट, छूट छूट, और जहां छूट वहीं पे लूट है, यानी 50% का डिस्काउंट, यानी बेचेगा कितने पर रे? 70 पर, यानी 70%, ठीक है। और 70% का मतलब कितना हो गया? 100 के ऊपर जो भी है वही तो आपका परसेंटेज है, यानी कितना परसेंट? 70%। तो झट से आंसर मारो कितना? 70%, ठीक है। कहीं कोई दिक्कत नहीं, बहुत मजा आ रहा है, सवालों की धज्जियां उड़ रही है एकदम, कर सवालों की धज्जियां उड़ा देनी है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। क्या कहा गया है? द हाइट ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर, बना लिया जाए बेलन, यह है बेलन, ठीक, यह है बेलन। कहा गया है कि राइट ऑफ ए सर्कुलर सिलेंडर हाइट कितना है? 20 सेंटीमीटर। फिर और क्या दिया है? 14 सेंटीमीटर, ठीक। और पूछा क्या है? व्हाट विल बी द कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया का मतलब यार जब हम बेलन देखते यही याद आता है, यहाँ पे शक्तिमान खड़ा हो गया, ऐसे हाथ उठाया, धर 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 करके घूमते हुए यहाँ तक पहुंच गया, यानी एक बार घूमने का मतलब 2πr, और कहाँ तक? हाइट, ऊंचाई वाली बिल्डिंग पर पहुंच गया, यानी कितना होगा? 2 × 22/7 × r कितना था? 14 × 20 cm². सास छोड़ा दीजिए दो बार में, यानी यहाँ से कितना हो गया? 44, 88, 1760 cm², या फिर स्क्वायर सेंटीमीटर, यानी आंसर कितना? ऑप्शन नंबर सी। कहीं कोई दिक्कत नहीं, दिस इज द फॉर्मूला किसका? तो हम कहेंगे कर्व सरफेस एरिया का, जो कि होता है क्या? 2πrh, ठीक है दोस्तों। कहीं कोई दिक्कत नहीं यार, कुछ नहीं है, बहुत बहुआ सवाल है, ढंग से पढ़ो, सारा का सारा एग्जाम क्लियर होगा, ठीक है। चलो बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन पे, आ जाइए। क्या है? क्या कहा गया है? प्रबंधक का औसत वेतन x है और श्रमिकों का औसत वेतन y है। चलो भैया x और y औसत वेतन है। प्रबंधक की संख्या कितनी है? 15 गुना है किससे? श्रमिक से। तो ले लेते हैं, चलो यहाँ पर क्या है? मैनेजर है भैया, और यहाँ पर कौन है? वर्कर है, ठीक है। तो क्या कहा गया है कि क्या कहा है? संख्या श्रमिकों की संख्या का 15 गुना है, तो यहाँ पे कहा क्या गया है? द नंबर ऑफ द मैनेजर इज 15 × वर्कर, ठीक है। तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर अगर वर्कर एक होगा, बाप रे बाप, मैनेजर ही ज्यादा है, यहाँ 15 होगा, ठीक है। ये लोग कितना कमाते हैं? तो ये लोग कमाते हैं x, यानी कितना होगा? ये 15x होगा। ये कितना कमाता है? y, तो ये कितना होगा? y होगा। ये क्या है? नंबर्स नहीं, ये क्या है? उनकी सैलरी, ठीक है, नंबर्स ऊपर है, ये है नंबर्स। तो ये कितना हो गया? तो एवरेज मांगा जा रहा है, तो चलो एवरेज निकाल के दे देते हैं। तो कितना होगा? 15x + y बटे कितना? दोनों मिलकर 15 + 1, यानी आंसर कितना होगा? 15x + y/16, यानी आंसर कितना हो गया? 15x + y/16, यानी आंसर कितना होगा? ऑप्शन नंबर 1। क्या कहा गया है? मैनेजर जो है वो 15 गुना है किसका? लेबर का, यानी मैनेजर ही ज्यादा हो गया वर्कर से, क्या बात है। कहीं कोई दिक्कत नहीं, बड़े आसानी से चीजें क्लियर हो रही हैं, यानी आंसर कितना हो गया? 15x + y/16, ठीक है। तो बढ़े आगे अगले क्वेश्चंस की ओर। तो आप देख ही रहे हो 14 फरवरी 2019 सेप 3 में आए हुए क्वेश्चंस हैं, तो बहुत आसानी से सवाले बन रहे हैं। आइए अगला क्वेश्चन देख लें, क्या कहा गया है। चलिए कहा क्या गया है? द एवरेज वेट ऑफ द 10 आर्टिकल इज इतना, ठीक है। 10 आर्टिकल का एवरेज वेट इतना है, तो 10 × 665 करोगे तो कुल कितना मिलेगा? 650 kg, क्या बात है भैया। अब क्या कहा गया है? इफ 3 आर्टिकल हैव एन एवरेज इतना रिमूव, तो 3 × 72 सिंह कर दो, 3 × 72 सिंह कर दिया, तो 3 × 6 = 216,
केजी हटा दिया गया, यानी 10 में से गया 4, 3, और यहाँ पे कितना होगा 4 केजी। अब क्या कहा जा रहा है, तो पावर्ड विल बी द न्यू एवरेज ऑफ द रिमेनिंग आर्टिकल, कितने आर्टिकल बचे, 10 में से 3 गए तो 7 आर्टिकल बचे, कितने बचेंगे 7, 7 वस्तुएं बची हुई हैं, बटे 7 कर दीजिए कितना होगा 7 × 6 = 42, और 7 दूनी यानी कितना केजी 62 केजी, यानी आंसर कितना ऑप्शन नंबर डी। आंसर कितना दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। क्या है सवालों में यार, क्यों नहीं निकलेगा, एक बार ठानो तो सही कि हमें एसएससी जीडी में नौकरी चाहिए और हम लेके रहेंगे, तो आप जरूर लेकर रहेंगे। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। आइए, पी क्यू आर इतना इन्वेस्ट करते हैं अगर प्रॉफिट एट द एंड ऑफ द ईयर, आप जैसा कि जानते हैं कि पी का लाभ है ठीक, और क्यू का लाभ है ठीक, और आर का लाभ है, तो आपको पता है क्या होता है, जो लगाई गई है पूंजी गुने समय, तो लगाई गई पूंजी कितनी है 14,000 गुने एक, यहाँ कितनी है 18,000 गुने एक, और यहाँ कितनी है 24,000 गुने एक, यानी 3 0 3 0 3 0 कैंसिल, ये कट गया 7, ये हो गया 9 और ये हो गया 12, यानी उनके लाभ का जो अनुपात है वो कितना हो गया 7:9:11, यानी रेशियो निकल चुका है। अब क्या मांगा गया है, एट द एंड ऑफ द ईयर द टोटल प्रॉफिट इज इतना, यानी टोटल प्रॉफिट इतना होने का मतलब है, तो हमारे पास है 25480, और ये कितना जोड़कर हुआ हमारा 21 और 7 28, तो 28 से जब अगर हम भाग देंगे तो कितने बार में जाएगा 28 नवा कितना हो गया 72, यहाँ पे ये और यहाँ पे 7, यानी कितना मिलेगा यहाँ से फिर 28 मिलेगा, यानी कितना होगा 910 ठीक, यानी 28 से अगर हम काटेंगे तो कितना आएगा 910, और 910 हो गया। अब हमसे क्या पूछा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पी और क्यू शेयर, पी और क्यू शेयर के बीच में ये अंतर कितने का, जल्दी 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 2 × 910, यानी हमारे सवाल का आंसर कितना होगा 1820, कहीं पर है कहीं पर है कहीं पर है, मार दो ऑप्शन नंबर सी, कहीं कोई दिक्कत नहीं, चीजें बड़े आसानी से क्लियर होती चली गई। तो बस आज हम यहीं तक बातें करेंगे, तो उम्मीद करता हूं आपको सवाल बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। बस आज के लिए इतना ही दोस्तों, जय हिंद, हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करना तो मत भूलिए।